थोड़ा धोना है एक्चुअली, नहीं तो सब्जी नहीं रख पाऊंगी क्योंकि आइस हो रहा था उसमें, क्यों पता नहीं, देखते हैं। और रात 12:30 बजे पिंकी दी की वहाँ से आने के बाद सब्जी जो रखने गई तो वो देखा एकदम पूरा सब कुछ थोड़ा आइस आइस हो चुका है। मैंने कुछ पैकेट में भी रखा था वो भी, तो क्योंकि वो सब क्यों हो रहा है, उसके बाद मैंने सोचा पहले मिस्त्री तो को बुलाएंगे, लेकिन जो सब्जी लाई हूँ उसके लिए तो रखना पड़ेगा, तो सोचा पहले पूरा धो लेते हैं, धो के देखते हैं जो आइस है वो अगर ठीक हो जाता है, क्योंकि मुझे जितना लग रहा है ये फ्रिज में ना कुछ भी चीज़ें, कुछ भी बैग या कुछ पॉलीथीन या कपड़े के अंदर जो थैली होता है ना, जो सब्जी का थैली, उसके अंदर नहीं रख सकते। तो पूरा करते करते ही, क्योंकि ये जो ट्रे है ना काफ़ी बड़ा साइज का है, मतलब ह्यूज, बहुत बड़ा टाइप का, इसको धोना, पहले सोचा बाथरूम में जाके धो के, लेकिन उतना इजी नहीं है, मैंने सोचा नहीं किचन में धो लेते हैं और पूरा साफ़ करके देखते हैं इसके अंदर रख के, या अगर ठीक नहीं हुआ तो कल मतलब फ्रिज वाले को बुलाना पड़ेगा। और नॉर्मली सोचा आके फटाफट रख लेते हैं, क्योंकि आने के बाद कपड़ा सुखाने देना वो सब किया, तो उसके बाद लगा अरे सब्जी तो है नहीं, तो ये बास्केट में रखूँगी ना तो सब्जी ख़राब हो जाता है। और इस तरह से मैं पहले एकदम ड्राई करके और उसको थोड़ा पोछ लिया अच्छी तरह से और खुला रख रही हूँ, देखती हूँ खुला रखने के बाद क्या होता है। एक तो उसने कंटोला बेचारा वो सड़ा हुआ दिया है, तो अभी देखते हैं क्या होता है। अभी धनिया पत्ता को भी इतना रात को कौन चुनेगा, तो सोचा एक कपड़े में लपेट के रख देते हैं, सुबह में उठ के उसका ताम झाम जो है, क्योंकि धनिया पत्ता थोड़ा चुन के रखने में टाइम लगता है। कल पहले केला खा लो, नहीं तो फ्रूट फ्लाई आते है बाबा, यहाँ पे फ्रूट फ्लाई भी बहुत है, और नहीं घुसेगा जाएगा, एडजस्ट कर लो भाई फ्रूट्स लोग, तुम लोग अंदर में। और आज है नेक्स्ट डे, शाम हो चुका है, सुबह से कुछ और काम था, बाहर गई थी और कुछ चीज़ें था वो शूट नहीं कर पाई, क्योंकि सब जगह पे ना शूट करना पॉसिबल नहीं होता है कुछ काम की वजह से। टी शर्ट वगैरह या पिलो कवर, कुशन कवर, ये सब मैं घर पे इस्त्री कर लेती हूँ, क्योंकि छोटा छोटा चीज़ें होता है ना और एक साथ रख लेती हूँ, उसके बाद एक दिन हफ्ते में एक दिन वो सारे इस्त्री कर लेती हूँ, तो मतलब ईजी भी पड़ता है। और मेरे सारे कपड़े ना अभी एक थैली पे रख रही हूँ, क्योंकि मेरा जो पुराना लॉन्ड्री बास्केट था वो कपड़े का था, वो पूरा फट गया था, पहले भी दो मैंने खरीदा था, कपड़े का लॉन्ड्री बास्केट बहुत जल्दी फट जाता है। अभी सोचा है कुछ केन का या बैम्बू का अगर कुछ मिलता है ना, परमानेंट कुछ चाहिए भाई, वो बार बार फट जाता है, बार बार खरीदना, क्योंकि कपड़े वाला वो साइड से पूरा फट जाता है। थोड़ा थोड़ा करके बारिश हो रहा है, ये बारिश अभी इधर रख देती हूँ, सुखाने के लिए देना पड़ेगा नहीं तो खराब हो जाएगी। सर स्कूल, अभी शांतनु का बैग लेके गया, देखे उसका बैग मैंने धोया ये, लेकिन इसमें इतना सा इतना भारी है ना ये बैग, क्या मतलब ईंट पटकर लेके जाती है, हमारे बोलते हैं ना कंस्ट्रक्शन के सामान लेके जाती है सीट, सब बच्चों का, सच में ये बच्चों के लिए बहुत परेशानी वाला चीज है भाई, इसका वजन ना सीट कितना होगा, 4-5 किलो आराम से, आराम से उससे ज्यादा ही होगा। बच्चा जब टिफिन फिनिश करके लेके आता है ना मस्त, ये एक्चुअली लीक नहीं होता इसीलिए ये किसी किसी दिन लेके जाते हैं, कांच का लेके नहीं जाते। आज पास्ता लेके गई थी स्वीटी, देखो अतुल को यहाँ पे टांग के, देखो इस्त्री किया फिर भी ऐसा, और एक को धोने के लिए रखा है। कैसा रहा स्कूल, किसी को मार के आया? छोटे बच्चे देखना बोलते हैं किसी को मार के आया, किसी को पीट के आया, वैसा तो स्वीटी कभी नहीं थी, लेकिन उसका एक्सपीरियंस आप लोगों के पास है, आप लोगों को किसी का बच्चे तो होता ही है, अभी तो बच्चा है वो तो मारपीट तो करेगा, अभी स्पेशली जो छोटे इतना छोटा बच्चा होता है ना, हाँ मारपीट तो करता है ना, तो वो कैसा लगता है मम्मी को आके बोलता है मैं ना आज इसको पीट के आया, या कोई बोलेगा मतलब मार खा के आ गया, वो क्या एक्सपीरियंस मेरे पास नहीं है, तो आप लोग बताना। गाँव का फील करने के लिए मैं मस्त कपड़ा सुखा रही हूँ पौधे के ऊपर, मस्त देखना गाँव में पौंड के साइड वहाँ पे नहा के उसके बाद सब ऐसे पेड़ पे, देखो सूख भी गया, ये एक्चुअली भगवान का कपड़े है ना, तो मैं कहाँ पे दूँ, इसीलिए यहाँ पे ये तो हल्का सा सूखा है, ये सोचा पेड़ के वो उसमें टांग दिया, मैं बोला सूख जाएगा और थोड़ा सा मॉइस्चर, सूख गया मतलब थोड़ा सा, अभी बारिश में ना ये भगवान का कुछ ढकने के लिए था। कैसे हो, ये छोटू वाला दोस्त है, ये तो 2 दिन से फूला है, ये वाला छोटू वाला मस्त, ये सुगंध वाला गुलाब है। ऑफिस से आके शांतनु को बोला चलो
ग्रोसरी नहीं है, कुछ नहीं है, आलू तो इस दिन थोड़ा सा लिया था वही है। अरे खुल जाओ रे भाई। कुछ ना बारिश का ही चीज है ये। अभी तो बारह महीने का कुछ नहीं था इसलिए मस्त चला, हरा वाला ना लेकिन उसमें दो, इसमें एक सभी में, लेकिन उस दिन मुझे वो ग्रीन वाला मिला हुआ था पूरा, इसमें भी दो है, दो दो करके दिया है, बहुत चला है। ढूंढो ढूंढो इसको, ये राउंड वाला टमाटर कौन वाला लिया, चचड़ी चिंगड़ी से ए बेगल बंद, फ्रूट्स का, फ्रूट्स का, फ्रूट्स का, अभी शॉर्टकट चल रहा है यहाँ पे, इतना दूर कौन जाएगा। ले छाता भी सब पार्सल कर दे, ओए छाता भी कर देना प्लीज प्लीज प्लीज। अरे खुद के जाना इजी, शॉर्टकट इतना घूम के जाना पड़ेगा ना, मस्त शॉर्टकट लेती, लेकिन शॉर्टकट नहीं चाहिए, लॉन्ग कट में चाहिए। चलो चलो बारिश आने का, बारिश बारिश मैत्री हम लोग राउंड दिखा रही है, राइड दे रही है राइड। अभी क्या करो मतलब वहाँ से सामने आप, लोग को दिक्कत हो आगे जो गोल करके सर्कल से उसको ये कट छोड़ के वो नहीं, चलो 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 मैं राउंड लेके कर रही थी, मेरा दिमाग राउंड घूमना है उसको, राउंड घूमना नहीं मेरी को राउंड। जल दो मैडम, पागल है मेरे, यहाँ पे मेरा ये है कैमरा है, ये उसका मजा लूटना है, क्या देख रही है अट्टालिका, अट्टालिका देख रही है, अट्टालिका तीन चार जने सजाया, बाकी ऐसे साइकिल रख दी, तुम जाके सजा के आ जाओ, मैं मन कर रहा देखो इतना अच्छा बालकनी, चार पाँच जने सजाया, स्टोर रूम बना दिया। बिस्किट का पैकेट का साइज देखो, ये तो मेरा सालों साल, दो साल, दो तीन साल पहले है, छह रुपये में इतना बड़ा बिस्किट। निकलो निकालो, सोयाबीन चाहिए, पापड़ चाहिए, चाहिए साउथ इंडियन पापड़ ले लो, यही वाला, यही अलग वाला, वही वाला है, नहीं दूसरा वाला। अच्छा दूसरा ब्रांड है क्या इसका, खाया नहीं मुझे, कलर ही कलर चाहिए। अच्छा हाँ, यही बार हम लोग वो लेके गए थे, वो थी पिंक पिंक योर फेवरेट, चुन चुन के मारेंगे, चुन चुन के मारेंगे। अच्छा लाइट भी हमें मतलब मच्छर ढूंढने के लिए, हाँ हाँ तुम्हारा लाइट जलने से ना वो मच्छर भाग जाएगा। टेस्ट कर लो सिटी के बाल के ऊपर एक बार टेस्ट कर लो, और ग्रोसरी वगैरह जो था सब्जी वगैरह वो लेके यहाँ पे आई हूँ दूसरे स्टोर पे, और यहाँ पे छोटू वाला बाल्टी देखो कितना, कपड़ा धोने के लिए मतलब छोटा मोटा कपड़ा किचन पे ऐसे ही रख के धो सकते हो, तो वही देख रही थी। और मुझे डस्टबिन चाहिए था, कब से ढूंढ रही हूँ लेकिन प्रॉपर साइज का नहीं मिल रहा, छोटा चाहिए था। और स्वीटी को ये स्कर्ट पसंद आया क्योंकि ग्रीन कलर उसको बहुत पसंद है, कोई भी टाइप का ग्रीन कलर येलो, लेकिन इसका साइज ना कमर का जो साइज है वो काफ़ी बड़ा है तो नीचे निकल जाएगा, और मैं यहाँ पर डस्टबिन भी देख रही थी लेकिन वही छोटा वाला तो नहीं मिल रहा है, देखते हैं। और एक चीज़ के लिए, जो चीज़ के लिए आई थी वो तो मिला ही नहीं, मकड़ी का जाली साफ करने वाला, देखते हैं अभी ऑनलाइन पे मुझे लग रहा है मतलब ऑर्डर करना। समोसा का खुशबू आ रहा है लेकिन मुझे खिला नहीं रहा है, ये बोल रहा समोसा खाएगा और ये बोल रही है आइसक्रीम, छोटी बोल रही है आइसक्रीम खाएगा, समोसा समोसा आइसक्रीम में डुबो डुबो के खाओ, कुछ नहीं मिलेगा, सीधा घर चलो।
चाय मिलेगा और सूखा रोटी मिलेगा। अरे रोज रोज समोसा खाना क्या अच्छी बात है क्या? यहाँ पे रास्ते के बीच में रख दिया, तू ही रखे चीज तू ही। गलती शांतनु का है? नहीं, मैं कभी भी गलती नहीं करता, आई एम ऑलवेज करेक्ट। ये दो थैली शांतनु का। लो रे बाबा, तुम्हारा सब रेडी करते करते मेरा चाय ठंडा हो जाएगा। दोपहर में खाना था, भूल गई। ठीक है, अंडा बॉय, ये तू दूध पी। तेरा दूध की दे, दूध पी ना। आगे शांतनु क्या ट्राई करेगा देखो, थोड़ा सा अंडा पाव। मस्त अंडा पाव, अंडा पाव मुंबई में बहुत फेमस है, बहुत फेमस है। मुझे खिलाना ना एक दिन अंडा पाव। Tick tock, the clock is ticking. I don't know what I should do and I wish you be right here with me. मैंने हाथ का करवा चौथ। हाँ, करवा चौथ का मुझे बहुत पसंद। ये जैसे टमाटर दो चार देके ना रोस्ट करने के लिए, स्पेशली पापड़ के लिए लिया है। फ्रूट फ्लाई से बचने के लिए, छोटा छोटा मक्खी आता ना, बचने के लिए ऐसे ही करके रखना पड़ा। उसके ऊपर ढक के रखो, अगर होल वाला हुआ ना तो इधर से भी घुस जाते। बापरे इतना तंग कर, खाने का ही मेरे लिए भूल जाऊंगी खुद ही। अरे घुस जाता ना पूरा, नया फ्रूट्स को खराब कर देता है। तो उस दिन मेरा एक पूरा अनियन, जिंजर, गार्लिक और ग्रीन चिली को रफली ग्राइंड करना है। प्रॉन्स को थोड़ा सा चॉप कर लिया। यहाँ पे ब्लैक पेपर, कुटी हुई व्हाइट पेपर, सफ़ेद मिर्च, काला मिर्च पाउडर, जो मसाला रफली ग्राइंड किया था वो, दो चम्मच धनिया पाउडर, जीरा पाउडर एक चम्मच, हल्दी अंदाजा से, बंगाली शाही गरम मसाला हाफ चम्मच, और इसको मिक्स करके 10 से 15 मिनट रखना है। यह है कंटोला, हमारे वहाँ पे बोलते हैं घी को अल्लग, लेकिन ये बड़ा वाले का नाम कुछ अलग ही है शायद। को हल्दी और नमक देके फ्राई कर लिया। हाँ कुड़ोल, यस, मस्टर्ड ऑयल पे चॉप्ड अनियन, और इसको मीडियम फ्राई करके जो मैरिनेटेड प्रॉन्स है वो देके अभी इसको भूनना है। और ये भूनने के बाद जब ड्राई हो जाएगा, थोड़ा सा शुगर, मैं रॉ शुगर यूज़ कर रही हूँ तो मिठास कम है थोड़ा सा, और अंदाजे से सॉल्ट, बॉयल पोटैटो, और इसको अच्छी तरह से थोड़ा भूनना है जैसा समोसा का अंदर का आलू भूनते हैं वैसे। I miss you so bad, won't you come back to me? I've got you in my head, you're all that I see. I've lost all my chances. बनाने का मन किया ऐसे, कभी कभी बनाने का मन करता ना उस दिन। Know that I am too late. ये चना दाल, ये किसी और टाइम शेयर करूंगी, थोड़ा अलग टाइप का है मसाले के साथ। Wondering if you're thinking about me too. Now it's too late. ये जो थोड़ा सा हल्का सा ठंडा हो जाएगा, ब्रेड क्रम्स या तो आप बिस्किट का पाउडर जो होता है, ये थोड़ा बाइंडिंग में इजी होता है, ये दे के थोड़ा सा मिक्स करना है, गर्म है फिर भी। और ये जो ठंडा हो जाएगा, इस तरह से लंबा लंबा करना, एक लंबा टाइप का और एक इस तरह से। और इसको अंडे मैंने यहाँ पे फेंट लिया है, अंडा में कोट करके ब्रेड क्रम्स या बिस्किट का पाउडर जो, या रस का पाउडर भी बहुत अच्छा लगता है। ज़्यादातर इसमें रस का पाउडर देने की कोशिश कीजिए, मार्केट में ब्रेड क्रम्स मिलता है उससे ज़्यादा ये रस का पाउडर ये ज़्यादा टेस्टी है। इसको एक कोट करने के बाद फिर से अंडे में डुबो के, डबल कोट जरूर करना तो अच्छा टेस्ट आता है और फटेगा भी नहीं बाहर का। स्वीटी आ गई पीछे सूंघते सूंघते, और इसको डीप फ्राई, और मैं मस्टर्ड ऑयल पे फ्राई कर रही हूँ, आप सनफ्लावर पे भी कर सकते। और ये कोई गेस्ट आए तो ज़रूर खिला के देखना एकदम मस्त। एक दिन पहले भी बना कर फ्रिज में रख सकते हो, आने के टाइम फ्राई कर दो चाय के साथ। ये बेसिकली स्नैक्स होता है, स्टार्टर बस रे। और यहाँ पे आप जो फ्लैट वाला बनाया है उसको आप सालों फ्राई कर सकते हो। My mind is filled with pictures of when we used to dance, but now I don't know where you are. अरे नहीं सिखाऊंगे ना तो बाद में जाके लगेगा गोल कैसे बनाते हैं, लंबा कैसे बनाते हैं। बैकग्राउंड में आवाज सुना दे रहा है, आज ये 1 घंटा से 1 घंटा हो गया, आधा घंटा 1 घंटा से। आज कोई घुसपैठी आ गया डॉगी के वहाँ पे इलाके में, कोई और डॉगी आ गया, बाप रे की चिल्ला रहे रहे। बाहर में बारिश हो रही है क्या? यस बारिश हो रहा है, चलो एंजॉय बारिश। देखो बादल का, अच्छा हाँ दिख रहा है, टिप 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 कर इस तरह से। गुलाब और एक खिला है, मस्त एकदम अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे पीछे मैंने कपड़ा टांगना शुरू कर दिया, और आज स्वीटी तो लग रहा है एकदम, अरे मस्त एकदम स्टार्टर लेके बैठी हुई है। इसमें मैजिक मसाला तो पड़ना ही चाहिए। कैसा बना है सालो फ्राई वाला का?
हेल्दी वर्स है। ऊपर से ब्लैक सॉल्ट, हाँ ये ब्लैक सॉल्ट जरूर देना है। कसुंदी, कसुंदी हाँ, चावल के कसुंदी है ये एक्चुअली बेसिकली स्टार्टर हिसाब से होता है। I wish you could see yourself just sitting there on my chair. I'm staring at you. You don't even know. अरे वो राउंड पे ये स्टूल कब से रुदा पड़ा है। अरे तुम क्यों ना मेरा बेइज्जती करने में लगे हुए हैं। घर संसार गुच्छा के रहता है, नहीं तो एकदम हॉस्टल हो जाएगा। हॉस्टल है ना, बॉयज का हॉस्टल कैसा होता है, चारों तरफ एक बेडशीट एक महीना वैसे ही रहता है। और अगर ये चिंगड़ी मछ चॉप बना रहे हो इसके साथ तो ये कंटोला मस्ट है। तू नहीं, ये मुझे का कॉम्बिनेशन। अरे वो फ्रिज में था बेचारे को देख के मुझे लगा बेचारे बोल रहा है। सुपर्ब कॉम्बिनेशन मुझे का। अरे कंटोला मतलब ये कॉकरोच जिसको बोलते हैं। अरे ये ऐसे राइस के साथ अच्छा लगता है तो मैं सोचा अभी बेचारा सड़ जाएगा, खाने में अच्छा लगता है ना। और ये जो दाल है ये शेयर करूंगी। कोई केस स्टार है तो मस्ट ट्राई रेसिपी, ये जरूर खिलाना, बच्चों को खिला के देखो। बच्चे तो नेक्स्ट दिन सब कुछ पढ़ाई सब कुछ करेंगे। ऐसा मतलब लिटरली ये खिलाओगे ना, इसका जो स्टफिंग था ना वो मस्त है। और ये है सालो फ्राई वाला इस तरह से, वो है फास्ट फूड, ये है स्लो फूड। ये इसको बनाने में थोड़ा सा सेकने में टाइम लगता है, कोई हेल्थ कॉन्शियस है तो धीमी आंच पे धीरे धीरे सेकते हैं। जब ये एक्चुअली कासुंदी मतलब मस्टर्ड के एक पेस्ट आता है उसके साथ डिप कर, मस्टर्ड सॉस उसके साथ डिप करके, वो नहीं है खत्म हो गया। कपड़े का ना इधर कर रही है, बहुत शुक्र है। I know you haven't noticed. सब लाइट ऑफ करो। एक्चुअली वीडियो के लिए भी लाइट की जरूरत होता है, इस वजह से शांतनु पानी का वर्ल्ड का सबसे मोस्ट बोरिंग काम। सुबह में पानी भरने का जिम्मेदारी मेरा है, शाम को रात को उसका है, क्योंकि सोने से पहले एक बार भर के रख देती हूँ। और बाय चांस मतलब स्वीटी सो गई है क्योंकि सुबह सुबह उठना भी है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर अच्छा लगा लाइक जरूर करना, मेरे चैनल पर नए फ्रेंड्स है तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं कल के और एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल माय फ्रेंड्स।